अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आया हूँ यार डी यारों की थी और ये बिलाल ने बनाई। बिलाल पूरा नाम क्या है आपका? बिलाल अरब। बिलाल अरब, वाह भाई हम तो पाकिस्तानी हैं। अच्छा बिलाल ने ये बहुत ही सुथरी मेन RCT शाहरा जो कि हब रिवर रोड कहते हैं से बनाई है। प्यालियाँ भी शानदार हैं, साफ सुथरी दुकान बनाई है, लूडो भी रखा हुआ है। बिलाल ये तो लग रहा है मैं किसी डिफेंस क्लिफ्टन में जगह में आ गया हूँ, कैसे ख्याल है ऐसा बनाने का? सर ये कम इन्वेस्टमेंट से अपना अच्छा कारोबार शुरू करने के लिए ये काम शुरू किया था। अल्लाह का शुक्र है अभी 2 महीने हो चुके हैं। सही चल रहा है जी बिल्कुल। कितनी इन्वेस्टमेंट लगाई तुमने? ऊपर भी जो है वो बांस लगाए हैं जी बिल्कुल, और इस पर जो है वो लकड़ी का ही काम करवाया ताकि देसी लुक आ सके। इसके अलावा जो कितने करोड़ लगाए? इतने करोड़ नहीं सर, करोड़ होते तो कारोबार करने की जरूरत नहीं थी। नहीं थी अच्छा। इन्वेस्ट करके बैठ के खा सकते हैं। ओके मुझे भी सिखाना जी। हाँ तुमसे अगर इधर मेहनत कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि इतनी ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है। कितने लाख लगे जी? मैक्सिमम 4 लाख रुपए। 4 लाख लगाए। अच्छा चाय जो होती है, जो कड़क चाय होती है या मजेदार चाय होती है या पठान की चाय होती है, उसमें ऐसा क्या सुना है? खून वून डालते हैं मजे की करने के लिए? नहीं सर, खून जो है वो चाय से ज्यादा महंगा है, अगर जो है वो साफ सुथरा यहाँ तक पहुँचा दिया जाए। खैर ऐसा कुछ भी नहीं है, हर चाय का अपना टेस्ट होता है, कारीगर का अपना टेस्ट होता है, बनाने वाले का अपना टेस्ट होता है, ठीक है। हर जो है वो टी स्टोर का अपना फॉर्मूला होता है, इसी बेस पर वो लोग चाहते हैं। अच्छा अगर कोई आपसे फ्रेंचाइज करना चाहे इस वीडियो के बाद तो आप क्या क्या चीजें देते हैं? ये क्या अंगीठी में क्या रखा है? कोयला चाय की तैयारी, कोयला चाय की तैयारी जल्दी जो है वो कोयला चाय के ऊपर हमारा अभी टिपिकल चाय है। अभी टिपिकल चाय है जिसके अंदर फिलहाल हमारे पास जो है वो मटका चाय है, मटका कॉफी है जो इस वक्त बलिया टाउन में नहीं चल रही। वाह वाह। इसके अलावा जो है वो स्पेशल कॉफी है हमारी, मटका चाय है, मटका स्पेशल चाय है। तो क्या दिहाड़ी लेता है अगर हम फ्रेंचाइज लें तुमसे? दिहाड़ी क्या लेता है? अपनी रिक्वायरमेंट होती है अच्छा, घर से आप वो अपना डिस्टेंस देखता है, वो कहाँ से आया ये पता होता है, फिर उसे आपने रिहाइश जो है वो प्रोवाइड करनी होती है। इसके अलावा जो है वो इनके खाने पीने का इंतजाम करना होता है, बहुत सारे मामला होते हैं इनके। तो फ्रेंचाइज कितने की देंगे फिर आप? ऐसा कुछ सोचा नहीं है क्योंकि अभी हम तो बिल्डअप नहीं हुए, कोई बात कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द। जिसने जो काम नहीं किया होता ना उसके लिए वो क्या होता है? मुश्किल। और आपने तो कर लिया, अब जब यहाँ तक पहुँच गए, अभी जिसकी दुकान की ख्वाहिश है सिर्फ वो आपको कंसल्टेंसी तो ले ही सकते हैं ना कि भाई कारीगर ढूंढना, प्याली लाना, ऐसा कोई प्रॉब्लम तो उसे जरूर कर दोगे हेल्प जी बिल्कुल। आपका मोबाइल नंबर? मेरा मोबाइल नंबर 03131271888। जबरदस्त, शुक्रिया बहुत बहुत।